नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भेड़ाघाट से उड़ना पाटन तक मेट्रो बस चलाने की मांग उठी, क्षेत्रीय लोगों ने महापौर को सौंपा पत्र। जेलबंदी की मौत की जांच की मांग परिजनों ने जिला प्रशासन से की, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। और महाराजपुर में डेयरी दुकान संचालक की नृशंस हत्या, दुकान के सामने खड़े होकर गाली गलौज कर रहे युवकों ने चाकू और डंडे से हमला कर ली युवक की जान, दो आरोपी गिरफ्तार। ईद मिलाद उन्नबी 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी की सरपरस्ती में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाएगा, जो अंजुमन स्कूल पहुंचेगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों की टीम के साथ अंजुमन स्कूल मैदान का निरीक्षण किया, साथ ही ईद के मौके पर सफाई, लाइट, पानी, बिजली के उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए। ईद के मौके पर निकलने वाले जुलूस को लेकर जो समापन होना है वो अंजुमन स्कूल में होना है। यहाँ पे सब इकट्ठा होने वाले हैं, उसको लेकर मैदान में जो व्यवस्थाएं चाहिए हैं, या चूंकि जुलूस भारी भरकम होगा, भीड़ होगी, उसके लिए जो सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए वो, चाहे बात मैदान को समतलीकरण करने की हो, यहाँ पे बहुत सारा कचरा नगर निगम का भी पड़ा था तो उसको ठीक करना था, वो ठीक की करवाने के निर्देश जारी किए गए, समतलीकरण किया जा रहा है कार्यक्रम के लिए। उसके अलावा जैसे फायर ब्रिगेड की आवश्यकता, हम जिस भी धार्मिक, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है उनमें जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, चाहे फायर ब्रिगेड की, चाहे एम्बुलेंस की, और चाहे हमारे मोबाइल टॉयलेट्स हों, ऐसे सारी व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ पर बेहतरीन, जो बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्थाएं हो सकती है उस करने के लिए आज निरीक्षण किया और निर्देश जारी किए गए। जुलूस ए मोहम्मदी अंजुमन स्कूल पहुँचता है जहाँ हजारों लोग इबादत करते हैं, लिहाजा बड़े स्तर पर व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। जननी सुरक्षा को लेकर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भिलहरी स्थित एक होटल में हुआ, जिसमें देश भर से आए 50 से ज्यादा युवा चिकित्सकों ने अपने रिसर्च पेपर रखे और पोस्टर प्रेजेंटेशन के जरिए इलाज की नवीन तकनीकों को साझा किया। स्त्री रोग विशेषज्ञों की कार्यशाला का आयोजन भिलहरी स्थित होटल में किया गया। जबलपुर ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनिक सोसाइटी द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर सबमिट किए गए। इसमें मृत्यु मात्र दर कम करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। जननी और सुरक्षा विषय पर आयोजित वर्कशॉप में विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर पंकज देसाई का सम्मान किया गया। अतिथि के रूप में सांसद राकेश सिंह भी इस वर्कशॉप में शामिल रहे। आज हमारे इस सम्मेलन का दूसरा दिन था, जिसमें प्रातः करीब 8:30 बजे से उद्बोधना के सेशन चालू हो गए थे। आज हमारे करीब 50 से ज़्यादा युवा चिकित्सकों ने पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन किया। आज का जो विशिष्ट उद्बोधन था वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कविता बापट ने दिया, जिन्होंने बताया कि सर्जन्स आर मेड और बॉर्न, अर्थात जो सर्जन्स हैं वो जन्मजात बनते हैं या ट्रेनिंग के द्वारा उनको बनाया जाता है। तथा हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हमने आज के दिन जॉग्स ओरेशन का प्रारंभ किया, और जिसको डॉक्टर पंकज देसाई, जो कि बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने दिया, और जिसका विषय था न्यू प्री एक्लेम्शिया। इस वाली कॉन्फ्रेंस का विषय था जननी और सुरक्षा उसकी, तो इसके ऊपर ये पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें कई लोगों के, बड़े लोगों के ओरेशन हुए, मेरा एक ओरेशन हुआ था। ओरेशन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मिलता है, तो वो ओरेशन होता है कि सर्जिकल स्किल्स के ऊपर। डॉक्टर पंकज देसाई का ओरेशन था आज, उन्होंने बोला कि प्री एक्लेम्शिया, जो झटके वाली बीमारी होती है, बीपी बढ़ने वाली बीमारी होती है, उसके ऊपर ओरेशन हुआ। और अभी काफ़ी सारे ओरेशंस और प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे सदस्यों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, और इससे हमारे देश की मातृदर कैसे कम, मतलब मृत्यु मातृदर कैसे कम हो, कैसी उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, कैसे आगे फ्यूचर में काम किया जाए, ये सब चीज़ों के ऊपर बात की गई। महिला रोग विशेषज्ञों ने बताया कि यह वर्कशॉप मृत्यु मातृ दर कम करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, सुरक्षित मातृत्व का ग्राफ बढ़ेगा।
इस कॉन्फ्रेंस में मैं एक्चुअली टॉपिक जो है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, प्रसूति के पूर्व जांच, उसमें कॉम्प्लिकेशंस प्रसूति और प्रसूति के पश्चात जो जांच है, ये सारी चीज़ें यहाँ कवर हुई है। मैं स्पेशली कुछ प्रसूति के रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बात कर रही हूँ, और मेरा जो विषय है जो स्तन रोग की जो समस्या, स्तनों की जो समस्या है उसके बारे में मैं बात करूँ। स्तन का कैंसर जो स्त्रियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, महिलाओं में हर आठवीं से महिला को ये कैंसर हो सकता है, और इसके लिए हमें जन जागृति करना, लोगों को इसके बारे में माहिती देना और उनकी जांच करवाना, ताकि ये कैंसर जल्द से जल्द डिटेक्ट हो सके। हम इस विषय पर, जो टीकाकरण के विषय पर, महिलाओं को ज़रूरी क्यों है गर्भ से पहले लगवाना और गर्भ के दौरान लगवाना, ये मैं उस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग, और ये बताया गया कि आपसे हम लोग TT जो है उसको बंद करके TD किसकी जगह लगा रहे हैं, और TDAP गर्भवती व्यवस्था को देते हैं, जिसमें कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस से प्रोटेक्शन हो जाता है, क्योंकि नवजात शिशु को 6 महीने तक हम पर्ट्यूसिस नहीं दे सकते, और जिससे कि काफ़ी सारे मोर्टैलिटी रेट बढ़ जाते हैं। जो आज मैंने चर्चा करी है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में की है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये देखा गया है कि हर 5 महिलाओं में एक महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, और जहाँ तक एडोलेसेंट की बात करें, हर 2 लड़कियां 5 में से उनको PCOS हो रहा है। इसका इंस्टेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हमारा जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है, बिंज ईटिंग है, मिडनाइट ईटिंग है, लेट आवर्स में जगना है, प्लस फिजिकल एक्टिविटी गर्ल्स की बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बाहर धूप में बिल्कुल नहीं निकलती हैं, एक ही जगह बैठ के काम करते हैं। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसमें हम TV, चाहे वो कुछ भी हो, AC हो, TV हो, कर्टन हो, हर चीज़ तो रिमोट ऑपरेटेड है, यहाँ तक कि अब रोबोट्स हो गए हैं जो हमारे सारे काम कर देते हैं हल्का, बट इसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, खास तौर से गर्ल्स में जो PCOS हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लड़की को PCOS पहचानना चाहिए कि PCOS के क्या लक्षण है, उसके बारे में चर्चा हुई। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि चिकित्सक समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, वर्कशॉप से निकलने वाले निष्कर्ष समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। बहुत सी चर्चाएं निश्चित रूप से यहाँ पर हुई होगी। एक समय था जब ये माना जाता था कि मातृ शक्ति हमें स्त्रियों की कोई समस्याएं हैं तो उन्हें चुप रहना है, उसको सहना है, लेकिन अब समय बदला है, समाज में बराबरी की भागीदारी मातृ शक्ति की है, समाज को दिशा देने का काम महिलाएं कर रही है, नेतृत्व महिलाएं कर रही है, और इसलिए अब समाज की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि समाज की चिंता करने वाली मातृशक्ति की चिंता बृहद समाज करे। आयोजकों के मुताबिक वर्कशॉप में किए गए विचार मंथन की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, ताकि स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाते समय सरकार खास खास बातों को शामिल कर सके। भेड़ाघाट से उड़ना तक मेट्रो बस चलाए जाने की मांग क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम से की है। लोगों का कहना है कि पढ़ने वाले युवाओं को परेशानी हो रही है, मेट्रो बस चलने से लोगों को सुविधा होगी। पाटन के ग्राम पंचायत बरौदा के निवासियों ने एक मांग पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि भेड़ाघाट से उड़ना तक मेट्रो बस चलाई जाए, ताकि ग्रामवासियों को सुविधा प्राप्त हो सके, साथ ही पढ़ाई कर रहे युवाओं को कनेक्टिविटी मिल सके। वो हमारे ग्राम पंचायत पड़ता है बरौदा छेड़ी, तो उड़ना सड़क से पड़ती है और भेड़ाघाट चौराहा पड़ता है इस साइड, उसके दूरी 15 किलोमीटर के लगभग है, और 15 से 20 गांव उसमें आते हैं, और वहां एक भी कोई भी सवारी वाहन नहीं चल रहा है, तो जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कोई मजदूरी के लिए शहर आता है, कहीं जाना रहता है, तो उनके रोजगमन के लिए कोई भी साधन नहीं है, इसलिए माननीय महापौर जी से हम लोगों ने यह प्रस्ताव पंचायत से दिया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आश्वासन दिया है कि JCTSL जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस लिमिटेड की बैठक में प्रस्ताव को रखकर स्वीकृत कराएंगे, ताकि बस का संचालन शुरू हो सके। जबलपुर के 2 महिलाओं और उनके सहयोगियों द्वारा 3 किलोमीटर लंबा तोरण बनाया गया है। यह तोरण कटरा में माता वैष्णो देवी को अर्पित किया जाएगा। शनिवार को कोतवाली क्षेत्र से भव्य तोरण यात्रा निकाली गई। इस तोरण यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। जबलपुर के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली खुशबू अग्रवाल और ऋचा अग्रवाल ने अपने सहयोगियों के साथ 10,000 फुट यानी करीब 3 किलोमीटर लंबी कपड़े की तोरण का निर्माण किया है। यह तोरण 13 अक्टूबर को माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में मां वैष्णो देवी को समर्पित की जाएगी। शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र से भव्य तोरण शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ।
और संस्कार दानी की हमारी दो बहनें श्रीमती ऋचा अग्रवाल और खुशबू अग्रवाल ने अपने हाथों से 10,000 फीट लगभग 3 किलोमीटर लंबा कपड़े का तोरण बनाया है। इस तोरण का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए इसको पहुंचाया गया है और यह तोरण की शोभा यात्रा आज जबलपुर संस्कारधानी में निकाली जा रही है। इसका स्वागत मालवी चौक मित्र मंडल द्वारा मालवी चौक में किया गया है। आज जबलपुर के लिए वास्तव में बहुत ऐतिहासिक दिन है कि खुशबू अग्रवाल ने एक तोरण 3 किलोमीटर जो माँ वैष्णो देवी में समर्पित करने के लिए बनाया और उसी की यात्रा में आज हम सब शामिल हुए हैं। मैं खुशबू के और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हस्त निर्मित यह तोरण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज की जा सकती है। बरगीनगर में दशहरा दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन चल समारोह के दौरान बरगीनगर के चौकी प्रभारी एसआई आशुतोष मिश्रा द्वारा की गई मनमानी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बरगीनगर के जनप्रतिनिधियों और बरगीनगर वासियों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंप कर चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। बरगीनगर के निवासियों ने बताया कि चौकी प्रभारी ने मनमानी करते हुए रावण दहन के पहले दुर्गा प्रतिमाओं को दशहरा मैदान से बाहर कर दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। क्षेत्रीय लोगों और जन प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि चौकी प्रभारी द्वारा लगातार क्षेत्र में मनमानी पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उनकी पदस्थापना के बाद लगातार क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिससे जनता परेशान है। हम शिकायत लेके आए हैं, हमारे जो वहाँ के चौकी प्रभारी हैं वो बहुत ज़्यादा उन लोगों से, मतलब हमारी जनता बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान करके रखा है जनता को। शराब दारू सब चीज़ें बिकवा रहा है। उस दिन ऐसा होगा कि मूर्ति पूरी खड़ी नहीं हुई है, सबको जाने दिया उन्होंने, जिन्हें कि उनकी पूजा होती, रावण ध्यान होता, समिति से पूछा जाता, इसके बाद में जाने को बोलते, तो उनने पहले ही भगा दिए। हमें ऐसा बर्बारी नहीं चाहिए हमारे बरगीनगर में। अभी ये बरगीनगर चौकी क्षेत्र से नागरिक गण आए हैं, जो अभी दुर्गा विसर्जन को लेके वहाँ जो समस्या हुई वो और अन्य समस्याएं भी उन्होंने बताई हैं। ये इसकी उपयुक्त जांच कराई जाएगी, जो सक्षम अधिकारी इसकी जांच करेंगे और पूरी स्थिति से माननीय पुलिस अधीक्षक वहाँ अवगत कराया जाएगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी। जेल बंदी सुशांत यादव की मौत पर उसके परिजनों ने न्यायिक जांच की मांग जिला प्रशासन से की है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक बीमार था, लेकिन जेल प्रशासन ने उसका उपचार नहीं कराया, जिसके चलते उसकी असमय मौत हो गई। सेंट्रल जेल जबलपुर में उड़िया मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय सुशांत यादव हत्या के मामले में सजा काट रहा था। उसकी अचानक मौत हो जाने से उसके परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। उत्कल यादव समाज के सदस्यों ने एक पत्र कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को सौंप कर सुशांत की मौत की जांच करने की मांग की है। मृतक के परिजनों का कहना है कि सुशांत का स्वास्थ्य खराब था, लेकिन जेल प्रशासन से बार बार निवेदन करने के बाद भी उसका इलाज नहीं कराया गया। प्रश्न इस बात का है कि हमारा शासन प्रशासन इतने चुरस्त और दुरुस्त के साथ में आम जनमानस के लिए सेवा कार्य करती चली आ रही है। जेल प्रशासन की एक छोटी सी लापरवाही से एक विधवा माँ का आंचल सूना होना हम सब लोग के लिए बड़ा ही दुखदायी है और इसी विषय में आज माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर से हम लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आके ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर साहब से न्याय हित करते हुए जाँच की मांग की। मृतक जेल बंदी के परिजनों ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। शहर में दो पहिया वाहनों की चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। लाडगंज थाना क्षेत्र के घमंडी चौक इलाके से एक युवक ने शातिराना अंदाज में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया। युवक एक दुकान के बाहर खड़ी एक्टिवा गाड़ी को पलक झपकते ही चोरी करके ले गया। शहर में वाहनों की चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वाहन चोर पलक झपकते ही वाहनों पर हाथ साफ कर चंपत हो रहे हैं। बीते दिनों लाडगंज थाना क्षेत्र घमंडी चौक के पास एक युवक ने पलक झपकते ही एक्टिवा गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। वाहन चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वाहन मालिक संजय सिंघई ने लाडगंज थाने में वाहन चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई है। आधारताल के महाराजपुर में देर रात कुछ युवकों ने डेयरी दुकान संचालक की चाकू और डंडे से हमला कर नृशंस हत्या कर दी। बताया जाता है कि हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। दरअसल दुकान संचालक ने युवकों को दुकान के सामने भीड़ लगाने से मना किया था। इस बात को लेकर युवकों ने दुकान संचालक पर प्राण घातक हमला कर दिया।
आधारदाल थाना क्षेत्र महाराजपुर में डेयरी दुकान चलाने वाले दुकान संचालक मनीष पटेल की देर रात हत्या कर दी गई। हमलावरों ने चाकू और डंडे से मनीष पर हमला कर दिया, जिससे मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन मनीष को घायल हालत में मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मनीष के भाई और माँ ने बताया कि कुछ युवक आए दिन उनकी दुकान के सामने भीड़ लगा कर खड़े रहते थे और गाली गलौज करते थे। बीती रात भी युवक उनकी दुकान के सामने भीड़ लगा कर खड़े हो गए। मनीष ने इन युवकों को दुकान के सामने खड़े होने और गाली गलौज करने से मना किया था। इस बात को लेकर युवकों ने ना सिर्फ उस पर चाकू और डंडे से हमला किया, बल्कि उनकी दुकान का सामान भी तोड़ दिया। जब 15-20 लड़का रहे वो मालूम नहीं है हमें, तो जे का कहते हैं तो कौन का की हमारी कसम खा दूध दही बार बार हाथ ठोके, तो हमने कही हमारी दूध दही की कसम न खा, वहाँ से हमारी दुकान नहीं चले, तुम रोज खड़े हो जाते हो इतने और माँ बहन करते हो। कितने बजे की घटना है ये रात में? 8:30-9 के बीच की बात। कहाँ पे? कौन सा? चश्मा वाले के सामने। अच्छा अच्छा, काय से मारे उन्होंने? फिर हमारे छोटे बेटा बैठो तो उसे ढकेल दो मारो, तो फिर हम दौड़े उसे बचावे के, फिर वो झाड़ू ले आओ तो दूध दही मठा सब भगरा दो, सब डब्बा डब्बी तखरिया बाहर। हम होते ही रहते हैं, दुकान चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, हम दो ही चलाते दुकान। आप कौन है? अम्मा है। उनका काम था रोज का कि शराब पी करके यहाँ पे आके खड़े होना, गाली गलौज करना, फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें करना, और सामने अपनी दूध की दुकान है, वहाँ पर बहन बेटी लोग आती हैं, तो इनके चक्कर में वहाँ पे दुकानदारी में बहुत फ़र्क पड़ गया। इनका काम ही विवाद करना, गुंडागर्दी करना। कितनी टाइम विवाद हुआ था? कल वही लगभग शाम को 8:30 के आसपास हुआ था एक बार, और फिर एक बार और रात में 10:30, दो बार हुआ था। हत्या की जानकारी मिलने के बाद आधारदार पुलिस घटना स्थल पहुंच गई थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों से जानकारी लेने के बाद हमलावरों की तलाश शुरू की और दो आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इधर 24 घंटे के भीतर शहर में घटित हुई हत्या की इस तीसरी वारदात से सनसनी का माहौल निर्मित है। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।